पिज्जा बना दिया। पिज्जा पार्टी। आज तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैंने अभी तक एक बार भी ब्लीच नहीं करवाई अपने फेस पे। बहुत अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ शिवांग को स्कूल से लेने के लिए। शिवांग की छुट्टी हो जाएगी, आज 12:20 का टाइम है। वैसे डेली 11:50 पे हो रही थी, बट आज 12:20 पे टाइमिंग चेंज हो गया शिवांग के स्कूल का। और अभी अनवी भी मेरे पीछे बैठी हुई है। अनवी आज स्कूल गई भी थी और नहीं भी गई थी, क्योंकि अनवी की ना तबीयत खराब हो गई थी। स्कूल भेजा था, उसकी हो गई थी तबीयत खराब, तो उसको फोन आ गया था इसकी क्लास टीचर का, तो मुझे तुरंत लाना भी पड़ गया। तो अब इसकी तबीयत ठीक है, इसकी तबीयत पता नहीं यार क्या हो गया, इसके पेट में दर्द, जिम चलाना इसका बंद ही नहीं हो रहा। दवाई देती हूँ ठीक हो जाता है, फिर दवाई का असर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है मेरी बेटी। तो अभी फिलहाल इसको लेके आ गई अपने साथ, इसको मैंने पड़ोसी के घर पे, वैसे हर बार छोड़ देती हूँ बट तबीयत खराब है ना इसलिए मैंने इसको पड़ोसी के घर भी नहीं छोड़ा। मैं लेट हो गई थोड़ा सा, खड़ा हुआ शिवांग आ रहा अभी। लेट हो गई मैं, लेट हो गई कितनी देर? 20 मिनट। चल 10 ही मिनट हुई होंगी, तू धूप में खड़ा है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है तुझे। चल बैठ जल्दी बैठ। तो शिवांग का ना एग्जाम था हिंदी का, वैसे भी हिंदी में बहुत वीक है ये। कैसा हुआ शिवांग एग्जाम? अच्छा हुआ पक्का? कह तो रहा अच्छा हुआ, बाद में पता चलता है, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कैसा हुआ है। इतने उम्र की आपकी मम्मा भी नहीं है 91 61। तो अभी मैंने आते ही पिज्जा बना दिया, एक ही पिज्जा बनाया क्योंकि दोनों को बंद है बाजार का सबको, तो मैंने घर पे ही बना दिया। तो अभी एक ही पिज्जा बनाया, इसी में से हम तीनों जने खाएंगे। तो टमाटो का बनाया है, लेकिन बड़ा है, बहुत काफी बड़ा बन चुका है हमारा पिज्जा। फ्रूटी पीना जरूरी है? जा ले आओ, फ्रूटी तो खैर नुकसान नहीं देगी, जा ले आओ क्लास में। ऐसा है गरम हो रहा है अभी धीरे धीरे का, ऐसे मस्त बन रहा है, लग गया गरम है। तो दोस्तों अभी मैं अपने फेस पे शायद हल्दी का लेप लगा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं लगाती, मैं वैसे बाहर भी, आप लोग देखते हो मेरे डेली ब्लॉग में, मैं अब बाहर पार्लर वार्लर भी जाती हूँ, तो मैं फेशियल वेशियल कभी नहीं देखा होगा, मैंने कभी करवाया भी हो, कभी नहीं करवाया मैंने, मैं कभी करवाती नहीं ये सब चीज़, क्योंकि इन सब में चीज़ों में केमिकल इतना होता है ना, तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं, मैं केमिकल वाली चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। तभी मैंने हल्दी का ये बनाया, हल्दी और शहद का। तभी मैं इसी को मैं हर महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ। ये पुराने ब्लॉग में मैंने बता भी रखा है बना के कि कैसे मैं बनाती हूँ ये पूरा। तो इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी 15 मिनट। आज तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैंने अभी तक एक बार भी ब्लीच नहीं करवाई अपने फेस पे, सिर्फ एक बार करवाई है, वो भी अपनी शादी के टाइम पर करवाई है, मैंने कभी ब्लीच नहीं करवाई अपने फेस पे। तो अभी मैंने इसको 10 मिनट के लिए फेस पे रखूंगी, अभी बहुत गंदी लग रही हूँ मैं बट बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक होती है हल्दी, सब फेस के लिए, सब फेस के लिए बेस्ट है, ऑयली फेस, ड्राई फेस। और इसको मैं मालिश करूंगी 10 मिनट बाद, और फिर फेस वॉश करके दिखाती हूँ मैं आपको रिजल्ट इसका। तो अभी मैंने अच्छे से मालिश वालिश करके मुँह धो लिया अच्छे से, बिल्कुल क्लीन हो गया बिल्कुल मेरा मुँह, और सिर्फ मैंने पानी से धोया है बिल्कुल, देख लो बिल्कुल पानी से धोया, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो मैं ऐसे ही घर में फेशियल वगैरह करती रहती हूँ, महीने में एक बार तो करती हूँ, वैसे अगर ज़्यादा टैनिंग हो जाती तो 15 दिन में एक बार करती हूँ, वैसे महीने में एक बार जरूर करती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनानी है मुझे, तो अभी मैं फटाफट रेडी होती हूँ। बच्चे जा रहे हैं थोड़ी देर में ट्यूशन, बच्चे भी कर रहे हैं लंच, अभी मैं भी रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे हमारे रोहित जी भी ऑफिस से आ गए। आज मैं दोपहर में सीरीज देखने लग गई थी। एक्चुअली पता है क्या हुआ था,
ना रोहित जी ना आश्रम की सीरीज लगा ली थी, और वो मैंने थोड़ी सी देख लिया और मुझे पड़ गया चस्का कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। 3 सीजन की सीरीज मैंने दोपहर में 4 से 7 बजे तक पूरी फिनिश कर दी। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, डिनर विनर हो चुका है हमारा। अभी मैं इन बच्चों के साथ खेलने वाली एक प्यारा सा है गेम। तो गेम कुछ ऐसा है, मैं इन ग्लासेस में कुछ ना कुछ डाल दूंगी, तो इनको चूज करना, इनका लक देखते हैं कौन सा है, किसमें चीज निकलेगी और कौन सा क्लास खाली निकलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने इन बच्चों को बाहर भेज दिया है। मैं यहाँ पे ये डाल देती हूँ चीज, या आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम, अरे आइसक्रीम तो नहीं आएगी, चलो ये चॉकलेट वगैरह डाल देती हूँ। दिख रही है ना चॉकलेट, तो ये मैंने रैपर दिख रहा था ना, तो रैपर हटा दिया। अबे यार अभी भी दिख रहा है, खा लूँ क्या मैं एक बाइट, छोटी कर लेती हूँ फिर वो आ जाएगा। हाँ बाबू, तो एक स्लिप में इसमें मैंने पोपट लिख दिया है। रुक जाओ, पहले किसकी चांस है? पहले एनवी की चांस है। दोनों आँख कसके बंद करना। अब इसमें मुझे भी नहीं पता इसमें कौन सा है, मैं क्या है। तो अनवी की चांस पहले, पहले एनवी की चांस, बट टच करना है, नहीं टच कर दो। चॉकलेट खा गई। ठीक है भैया की चांस हो जान दो, अभी एक चॉकलेट और रखी हुई है। ठीक है, अभी 2 मिनट आइस क्लोज कर दो अपनी। ये लो शिवांग की चांस, चीटिंग करती है अन्ने, चीटिंग करती है, खुद गेम में चीटिंग करती है। लड़ो मत करो, नहीं बताओ नहीं फिर आपको नहीं मिलेगी वो चीज। रुक जाओ, खोलो खाली। नहीं, ये तो कैसे चीटिंग करती है, लगा था कर दी। इसके सामने कोई चीटिंग नहीं कर सकता, ऐसे नहीं करा कर। चल डालो ना। अच्छा ठीक है, अभी तो अच्छे से बनेगा। ढंग से अन्नी की आंखें खुल रही हैं, दिख रहा है अन्नी मुझे। खोल दो। हाँ खोल लो, ले ले पर्ची ले ले। पोपट हो गया अन्नी का, चीज नहीं मिली अन्नी का। अब चांस ओवर, खत्म, आपकी चांस गई। ये लास्ट एक पाए भैया की और है, बस दो दो चांस थी। नहीं ऐसे तो होता नहीं है। चल शकल देखे, नहीं ऐसे कैसे चाहिए, हो गया बस कर, छोड़ दे छोड़ दे, मैं करने दे मुझे, पूरा चिपका दिया। चलो डोरा केक मिल गया, खा लो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, एंड राधे राधे।